कैथल अम्बाला रोड सपा सेंटर पर पुलिस की रेड। मौके से दो लड़के और चार युवतियों को किया गिरफ्तार। बता दें कि कुछ दिन पहले भी इसी स्पा सेंटर में की थी पुलिस ने रेड, वेश्यावृत्ति का किया था मामला दर्ज। नमस्कार, यह सीधे तस्वीरें कैथल के अम्बाला रोड की है, जहां पुलिस ने सपा सेंटर में रेड की गई और मौके से दो लड़के और चार लड़कियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कैथल पुलिस द्वारा कुछ दिनों पहले भी इसी स्पा सेंटर में रेड की गई थी और वेश्यावृत्ति का मामला वो दर्ज किया गया था, लेकिन दोबारा से बीती रात कैथल पुलिस ने इस सपा सेंटर पर रेड की और मौके से दो लड़के और चार लड़कियों को गिरफ्तार किया गया। कैथल पुलिस लगातार सपा सेंटरों पर निगाहें बनाई हुई है, क्योंकि सपा सेंटरों पर मसाज की आड़ में वेश्यावृत्ति का काम जो है वो किया जाता है, जिसकी शिकायतें बार बार मिल रही थी, जिसको लेकर कुछ दिनों पहले भी पुलिस द्वारा इन्हीं सपा सेंटरों पर रेड की गई थी और मौके से युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उसके बाद बीती रात पुलिस द्वारा अम्बाला रोड स्थित सपा सेंटर में रेड की गई और दो युवक और चार युवतियों को गिरफ्तार कर सिटी थाना जो है वो ले जाया गया। बताते कि सिटी थाना पुलिस व दुर्गा शक्ति द्वारा इस सपा सेंटर में रेड की गई और मौके से दो युवक और चार युवतियों को गिरफ्तार किया गया। कुछ दिन पहले हमारे पास भी फोन आया था यहाँ आसपास के पड़ोसियों का, जिन्होंने हमें सूचना दी कि लॉकडाउन में जब सब दुकानें बंद हैं, सिर्फ ज़रूरत की जो सामान की दुकानें हैं वो खुली हैं, लेकिन ये सपा सेंटर यहाँ खुला हुआ है जहाँ पर वेश्यावृत्ति का काम जो है वो चलता है। लेकिन उसकी सूचना उसके बाद पुलिस को दी गई, जिसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस द्वारा वहाँ रेड की गई। बार बार पुलिस सपा सेंटरों पर रेड की कर रही है, लेकिन सपा सेंटरों के संचालक धड़ल्ले से इस काम को अंजाम जो है वो दे रहे हैं। ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही किसी सजा का खौफ है, क्योंकि ये जब गिरफ्तार होते हैं तो कुछ घंटों बाद इनको जमानत दे दी जाती है और दोबारा से ये उसी काम पर लग जाते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि क्या पुलिस इनको सही तरह से बंद करवा पाएगी या ये ऐसे ही सपा सेंटर चलते रहेंगे। लेकिन जब हमने यहाँ मौके पर पहुँचे पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो उनका ये कहना था कि पुलिस लॉकडाउन के दौरान गश्त कर रही थी। उन्होंने अम्बाला रोड स्थित एक सपा सेंटर पर छापेमारी की, वहाँ से चार लड़कियों में दो लड़कों को मौके से गिरफ्तार किया है। सपा सेंटर का मालिक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। सभी को कैथल के सिटी थाने में लाया गया, लेकिन उसके बाद पुलिस ने लॉकडाउन की उल्लंघना का मामला दर्ज कर दिया। ये लॉकडाउन के पालना करवाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हमारी सरकारी गाड़ी में हमारे पुलिस कर्मचारी गश्त कर रहे थे, तो वहाँ अम्बाला रोड पे एक हेल्थी सपा सेंटर है, उसके बाहर तीन लड़के नौजवान और चार लड़कियाँ खड़े थे, जो जिनके चेहरे पर मास्क वगैरह कुछ नहीं था, जो पुलिस की गाड़ी को देखकर एकदम सपा सेंटर के अंदर एंट्री करके पुलिस वालों ने उनको ढूंढा, तो जो सपा सेंटर का मालिक है मोंटी वो तो भाग गया किसी चोर रस्ते से, और एक लड़का रोहित है, एक विकास है, और ये चार लड़कियां हैं नीलिमा बंगाल की, सुचित्रा महेंद्रगढ़ की, नुरसमा खातून पूर्णिया बिहार की, और गुरमीत इशार की। तो ये दो लड़के और चार लड़कियां मिले हैं जिन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है, बिना मास्क के इकट्ठे हुए हैं, डीसी साहब के आदेशों की अवहेलना की है। उनके खिलाफ़ मुकदमा नंबर 239 और धारा 269, 188 आईपीसी व 51-54 डीएम एक्ट का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। लड़कों का नाम क्या है? लड़कों का नाम एक का रोहित, एक का विकास, तो सर सपा सेंटर और एक मोंटी है उसके खिलाफ भी, सपा सेंटर का मालिक मोंटी है ना जो क्लैट करने वाला है, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। फरार है वो? हाँ वो फरार है, उसका होटल है, उसने रस्तों का पता, वो चोर रस्तों का भाग भूक गया। सर सपा सेंटर के अंदर से पकड़े हैं? फिलहाल तो ये बाहर खड़े थे ना, जैसे बाहर खड़े थे लापरवाही कर रहे थे, इनके उससे बीमारी भी तो फैल सकती है ना, ना इनके चेहरे मास्क था,
और ये पकड़े कहाँ फिर बाद में, बाकी अंदर बाद में तो फिर अंदर छुप गए ना पुलिस को देख के, उनको वहाँ वहाँ से निकाल के ले, ऐसी कोई बात नहीं, आपत्ति जिन स्थिति में थे, सिर्फ लापरवाही की थी और डीसी साहब के आदेशों की। पर्चा दर्ज किया है 188-269 IPC और 51-54 DM Act, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट।